नमस्कार दोस्तों, आज स्कैप वेल्थ क्रिप्टो करेंसी कोर्स का पहला सेशन है। आइए हम जानते हैं आज के सेशन में क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हम इस सेशन में क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस कैसे हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और क्रिप्टो करेंसी को कैसे एक्वायर किया जाता है। आज इस सेशन में, जैसे कि हमारे सिलेबस शेड्यूल में है कि एक सेशन दूसरे सेशन को मैं मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि दो सेशंस म्यूचुअली एक दूसरे के हाइपर पॉइंट्स को एडजस्ट करके आपको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, चलिए पहला, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? सो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे करेंसी के बारे में। करेंसी है क्या? देखिए, करेंसी जैसे हम बोलते हैं, करेंसी पैसा है। आज इंडिया में करेंसी है INR या फिर रुपया, USA में डॉलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, डिफरेंट डिफरेंट देशों का अपना खुद का करेंसी है, अपना खुद का पैसा है। सो ये जो पैसा, खुद का पैसा है, इंडिया INR को प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और USA को डॉलर प्रिंट करता है अपना फेडरल बैंक। ओके, जब ये हो गया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेला एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो रुपीज को प्रिंट करता है। आप और हम प्रिंट नहीं कर सकते। और आया USA की बात, सेम उनका एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी रहता है, फिनेंशियल बॉडी रहता है, वो डॉलर्स को प्रिंट करते हैं। तो ये पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, करेंसी मतलब ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। फॉर इसके अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी को हम आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं रहता, इसका कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं रहता जो इसको प्रिंट करता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा, हम सिंपल टर्म में जानेंगे तो जो कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो कोई भी लेडजर होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में एक ही बार स्टोर होता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी थ्रू क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज। एक क्रिप्टोग्राफी नाम का एक लैंग्वेज है, एक कोड है, जिसके बेस से ट्रांजैक्शंस और लेडजर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे चलता है। तो करेंसी हुआ है सेंट्रलाइज्ड और क्रिप्टो करेंसी हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और अभी जानेंगे ये क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस हैं क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है और क्रिप्टो करेंसी है कंप्लीटली डिजिटल। क्रिप्टो करेंसी कहीं से कहीं भी डिजिटल फॉर्मेट में इमीडिएटली जाता है और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट से क्रिप्टो करेंसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल होने के नाते क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सिक्योर है, हाईली सिक्योर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम मानेंगे डिजिटल होने से क्यों सिक्योर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे, फोन पे, UPI ऐसे कुछ मीडियम्स यूज करते हैं जहाँ हमारे जो फोन पे वैलेट या फिर गूगल पे वैलेट से दूसरे बंदे के गूगल पे वैलेट में पैसा जाता है। कैसे? डिजिटल फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सन बी को 1000 रुपया गूगल पे किया है, UPI किया है, क्या ये डुप्लीकेट UPI कर सकता है? नहीं, डिजिटल सिस्टम में डुप्लीकेशन नहीं रहता है, जो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो सिक्योर होता है थ्रू ए प्रॉपर मीडियम। तो क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली डिजिटल है, यहाँ कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरी बात, डिजिटल प्रॉपर्टी को, डिजिटल करेंसी को हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल करेंसी को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि
अगर हमको आज एक 500 रुपए का नोट मिल गया या फिर 1,000 2,000 रुपए का नोट मिल गया, इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। मार्केट में इसका डुप्लीकेशन भी होता है, फेक नोट्स भी आते हैं, पर फेक फोन पे या फिर फेक यूपीआई, फेक गूगल पे होता है? नहीं होता। तो एक एडवांटेज है। और क्रिप्टो करेंसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में बहुत ही फास्ट जाता है और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट से जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में, टोटल वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस होने के नाते क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अगर आज मेरे पास 2,000 रुपये नोट है और ये 2,000 रुपये नोट पकड़ के मैं अमेरिका में चेंज करना चाहता हूँ, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता अनलेस अंटिल उधर कोई एक्सचेंज में जाके उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके उन डॉलर को मैं यूज कर सकता हूँ। वैसे ही अमेरिका में जो डॉलर्स प्रिंट होते हैं वो डॉलर फिजिकल डॉलर्स पकड़ के मैं इंडिया में यूज नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है। पर क्रिप्टो करेंसी दुनिया में किसी भी कोने में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। ये क्रिप्टो करेंसी का एक मात्र बहुत एडवांटेज है। अभी जानेंगे हम क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेज के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का डिसएडवांटेज एक ही है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज होने के नाते ये प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं है। और दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी वेरी वॉलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल अभी बिटकॉइन का रेट, से फॉर एग्जाम्पल एक क्रिप्टो करेंसी का रेट, एक्स क्रिप्टो करेंसी का रेट अभी 2,000 रुपये है। विद इन फ्यू मिनट्स या फिर विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 1 डे और 2 डेज, ये 2,000 से 20,000 भी जा सकता है। इतना हाई वोलेटाइल नेचर के वजह से ये एक डिसएडवांटेज माना जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज होने के नाते इसमें थोड़ा रेगुलेटरी बॉडीज, प्रॉपर रेगुलेशन ना होने के वजह से इसको मिसयूज भी किया जा सकता है, जैसे कि टेररिस्ट फंडिंग, ड्रग डीलिंग, वेपन डीलिंग, ऐसे इन ये सारे क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेज हैं। और आज के सेशन के फाइनल पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी को कैसे एक्वायर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को एक्वायर करना मतलब क्रिप्टो करेंसी को कैसे पाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी हम कैसे ले सकते हैं, हम कैसे ओन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आपको ओन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस को पकड़ के आप क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं और खरीदते भी हैं, जैसे कि वाजीरेक्स हुआ, कॉइनडीसेक्स हुआ और हमारा बायटेक एक्सचेंज हुआ। आप बायटेक एक्सचेंज से भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो, जैसे कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज बायटेक एक्सचेंज में और जो 30 क्रिप्टो एक्सचेंजेस करेंसीज एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इनसे आप डायरेक्टली आप बायटेक एक्सचेंज में रजिस्टर होकर आप क्रिप्टो करेंसी एक्वायर हो सकते कर सकते हो। ये हुआ आप हमारा पहला सेशन कंप्लीटेड।